एंग्जाइटी है, खौफ है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये भी तो बड़ा मसला है ना, वो क्या कहेगी। पैसा नहीं है, कोई यहां से काट रहा है, कोई वहां से काट रहा है, जितने मसाइल हैं, गलती हमारी है। इसको ब्लेम गेम ना करके वो जिम्मेदार है, चूंके चुनाचे यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल दो, एजुकेशन सिस्टम को लताड़ दो, हुकूमतों के ऊपर डाल दो, माँ बाप पे डाल दो, ये दिस इज लूजर टॉक। ये एक हारे हुए शिकस्त याफ्ता आदमी का एटीट्यूड है। तो इसका ब्लेम अल्लाह के वास्ते कायनात पे मत डाल, मेरी गलती होगी कहीं, क्योंकि लीडर की सिफत ही यही होती है। जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना डेरा स्ट्रॉन्ग रखना होता है, उनका मिजाज ये नहीं होता कि वो कहें सलीम दे पुत्र ने काम खराब कर देता है। इसलिए ये सिफत जब तक नहीं बदलेगी कि मसले का हल मैं हूं और मसला ही मैं हूं, मैं ही मसला हूं, तब तक कभी भी अठन्नी का चेंज नहीं आएगा, एक इंच तब्दीली नहीं आती। अगर जिंदगियों में मसाइल हैं, घर में मसाइल हैं, रिश्तेदारियों में मसाइल हैं, दोस्तियों में मसाइल हैं, ताल्लुकात में मसाइल हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसा नहीं है, नाम नहीं है, कबूलियत नहीं है, अदावतें हैं, गद्दारियां हैं, बेवफाइयां हैं, लोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टीम मैनेजमेंट नहीं है, बंदे नहीं है, हैं सारे मुनाफक, हैं मुफाद परस्ट एंड अपॉर्चुनिस्ट, कोई यहां से काट रहा है, कोई वहां से काट रहा है। जितने मसाइल हैं, लड़का है संजीदा नहीं, ठीए दे बिठाया काम नहीं करता पिया, बाप कमाई देती सब बर्बाद कर देता है। अगर ये जितना भी फसाद है तुम्हारी जिंदगी, जितने भी मसाइल की तंगी है, नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे तनकीद तहकीर हकारतों के बाप हैं, जिल्लतें हैं, कबूलियत नहीं है, लोग तुझे कुछ समझते नहीं है, कोई तेरा किला मानता नहीं है, कोई तेरा कद मानता नहीं है, ये जितने मसाइल भी जिंदगी के, जिससे डर भी जुड़ा हुआ है, नाउम्मीदी भी जुड़ी हुई है, मायूसी भी जुड़ी हुई है, there's a hidden depression hitting you, एंग्जाइटी है, खौफ है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये भी तो बड़ा मसला है ना, वो क्या कहेगी। तो इसका ब्लेम अल्लाह के वास्ते कायनात पे मत डाल, कायनात पे मत डाल, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ लग रहा है, मेरे कलाम में दम नहीं। इसको ब्लेम गेम ना करके वो जिम्मेदार है, चूंके चुनाचे यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल दो, एजुकेशन सिस्टम को लताड़ दो, हुकूमतों के ऊपर डाल दो, माँ बाप पे डाल दो, बहन भरावा दे पा दो, ये दिस इज लूजर टॉक। ये एक हारे हुए शिकस्त याफ्ता आदमी का एटीट्यूड है कि वो जब भी आएगा, जिस शहर में भी आएगा, पंडाल के अंदर गलतियां निकालेगा, अपनी नफ्स में नहीं देखेगा कि मैंने हक अदा किया या नहीं किया। मीखे निकालना, चोंबे लगाना, ब्लेम गेम्स। अल्लाह कहता है ज़ारल फसाद फिल बर वल बहर, जितना फसाद भी खड़ा है ना तेरी जिंदगी, ढंग नहीं आया, वल नहीं आया, इट्स यू एंड मी, मैं रिस्पॉन्सिबल। गलती हमारी है, फसाद की निस्बत कभी खारिज में नहीं हो सकती। लोग हंस रहे हैं, इस्तेज़ा के बाप कायम हैं, तमस्खुर हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, संजीदा नहीं लेते लोग, माँ बाप कायल नहीं होते, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पुट लूंगा, मैं चांद तारे ले आऊंगा। बेटा अल्लाह ने भी 6 दिन में दुनिया बनाई थी, जबकि अल्लाह फरमाता है इन्ना मामरो इज़ा अराद शयअन यकुल लहु कुन फयकुन, मैं कुन के हुक्म से दुनिया तख्लीक करता हूँ, जब मैं 6 दिन के अंदर बनाई है, तू क्यों 6 मिनट के अंदर इंकलाब लांदा पे है, वक्त लगेगा। लेकिन निस्बत फसाद अपनी तरफ होनी चाहिए कि मैंने ही गलती की होगी, मैंने ही गलती की, मेरी गलती होगी कहीं, क्योंकि लीडर की सिफत ही यही होती है। जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना डेरा स्ट्रॉन्ग रखना होता है ना, उनका मिजाज ही ये नहीं होता कि वो कहें सलीम दे पुत्र ने काम खराब कर देता है। नो 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 नो, लोगों से पूछो ना कहाँ है जिंदगी में, पहले तो यही नहीं पता कहाँ है जिंदगी, जा कहाँ रहा है वो भी नहीं पता, होया कि शेख साहब डेफिनेटली ना मेरी तकदीर के अंदर कुछ लिखा है। जितना फसाद हमारी जिंदगी में, जो हुसन जो तहसीन वो तकमील वो तजमील वो जमाल वो एक्सीलेंस वो एहसान का दर्जा, ए दीनदारों मैं कहूँगा, जिन्हें भी साढ़े भरा बैठे ने मदारस, अगर तेन अल्लाह नहीं देखता पाया ना, अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराओ फैलम तकुन तराओ फैलना यरा का, भैन अपने आप नो कोसो, अगर अल्लाह नहीं आंदा ना तो आड़े कोल, यू एंड मी,
अना व अंत हबीबी, मैं और आप हैं। इसलिए ये सिफत जब तक नहीं बदलेगी कि मसले का हल मैं हूं और मसला ही मैं हूं, मैं ही मसला हूं, तब तक कभी भी अठन्नी का चेंज नहीं आएगा, एक इंच तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह ने जब इंसान की उस बुलंदी और उस मेराज का जिक्र किया है ना, तो नस्बत इंकलाब नफ्स फर्द के ऊपर आयद किया है कि इन्नल्लाह ला यगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता यगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, मैं तुम्हारे हालात बदलूंगा नहीं कभी जब तक कि एक फर्द वाहिद अपनी तरफ उस फसाद, उस गलती, उस खता की नस्बत नहीं करता।